गुड मॉर्निंग 9th क्लास. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल के इनसाइड प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक. ठीक है, कुछ बैग लाइक सी राउंड सी स्ट्रक्चर है जिनके आउटर साइड पे एक कवर लगा हुआ है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो ये राउंड सी बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिनके आउटर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और इसके इनसाइड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के, इनकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? आर ई आर क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा? लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है. ओके, इस डायग्राम में आप व्यू कर सकते हो, ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है जिसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके इनसाइड क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? ये कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे. ओके, लाइसोसोम्स हैं जो, वो एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो भी वेस्ट का डिस्पोज करें, मतलब उसका निपटारा करें. दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरन मटीरियल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स. ये क्या करेंगे? बाहर से आई फॉरन मटीरियल, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, या फिर फूड मटीरियल है, कोई फूड स्टफ है, या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि खराब हो गई हैं, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही हैं. सो ये उन सबको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देंगे. और वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहे हैं इसलिए ये सेल को क्या करते हैं? क्लीन रखने का काम करते हैं. और जो भी सेल को क्लीन रखने का काम करेगा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारी सेल का. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे हैं लाइसोसोम, सेल को क्लीन कर रहे हैं. ठीक है, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, लाइसोसोम्स हैं जो ये वेस्ट ऑर्गेनल्स को या फिर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, उनको किल कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या फिल होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं. और ये उन एंजाइम्स की हेल्प से ही क्या करते हैं? वेस्ट सेल ऑर्गेनल्स को या फिर बैक्टीरिया वायरसेस को ईजिली किल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबोलिज्म. सेलुलर मेटाबोलिज्म का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के इनसाइड जितनी भी फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की रिएक्शंस होती हैं उनका सम टोटल क्या होता है? मेटाबोलिज्म होता है. चाहे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन है, ये सब क्या है? मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ होती है. जब भी हमारी सेलुलर मेटाबोलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, मतलब हमारी सेल सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जब कोई सेल डैमेज हो जाएगी उस केस में क्या होगा? जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे. बर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा? रप्चर हो जाएंगे, ये फूट जाएंगे. और जब ये रप्चर होंगे, सपोज करो ये एक लाइसोसोम था और ये रप्चर होके कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, फिर रप्चर होने के बाद ये क्या करेंगे? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेल के इनसाइड रिलीज कर देंगे. और इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे. अब इतने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम से जो हमारी सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगी. ठीक है, सो ये डाइजेस्ट कर लेंगे अपनी खुद की सेल को. सो दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल बाय देयर डाइजेस्टिव एंजाइम. अब लाइसोसोम्स को देखो, ये अपनी ही सेल को क्या कर रहे हैं? किल करने का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो जो कोई अपनी ही सेल को किल करेगा तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी बोल सकते हैं. एक तो इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोला गया सेल का, और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम इनको? सुसाइड बैग्स. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये सेल को क्लीन करते थे. कुछ भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है सेल के लिए, उनको ये डाइजेस्ट कर देते थे, उनको ये ब्रेक डाउन कर देते थे. बट जब भी हमारी सेल में कुछ डिस्टर्बेंस आएगी,
ठीक है, वो सही से काम नहीं कर पा रही, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट है और इतने वेस्ट को लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उस केस में क्या करते हैं, ये बर्स्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, और रप्चर होने के बाद अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगे और उससे ये क्या कर लेते हैं, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब उसकी उसको किल कर देंगे, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, ओके।